बिरनी प्रखंड अंतर्गत सिमराढाव पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार दिलीप दास ने प्रखंड कार्यालय बिरनी में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं जिला परिषद के लिए श्रीमती जयंती देवी व बिरनी भाग संख्या 20 से अनुराधा कुमारी ने जिला परिषद प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं जुरपा से मालती देवी, बनपुरा से श्रीमती मीना देवी, सुमन सौरभ तथा सिमराढाव पंचायत समिति के लिए दो अलग अलग प्रत्याशियों के रूप में दिनेश तुरी व छत्रधारी दास ने सरिया बगोदर अनुमंडल में नामांकन पर्चा दाखिल किया। अगर यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं अपने क्षेत्र में प्रगति का विकास करूंगी। मौके पर सिमराढा पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार दिलीप दास ने बताया कि पूरे प्रखंड ही नहीं पूरे राज्य भर में सिमराढाव जैसा भ्रष्टाचार किसी भी पंचायत में नहीं है। पूर्व मुखिया ने जनता को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन सारे सपने धरे के धरे रह गए। कहा कि इस बार जनता ने उन पर भरोसा किया है कि इस बार दिलीप दास को मौका दिया जाए ताकि किसी भी योजना में कमीशन खोरों से बचा जा सके तथा योग्य लाभुकों को सरकारी योजना मिल सके। इधर दिलीप दास के आवास पर लोगों का हुजूम लगा हुआ था तथा नामांकन कार्यक्रम में ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला गया, जो गोंगरा से प्लोंजिया सिमराढाव होते हुए 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचा। मौके पर सरिया बगोदर अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, अरविंद कुमार, गौरी शंकर, राजेश दास, मनु कुमार, साकेत कुमार, शक्ति मोदी, निर्मल साव, दिलीप सिंह, वेदो महतो, राजू विश्वकर्मा आदि हजारों लोग उपस्थित थे। Yeah.